स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है। तो आज के दिन मैं पहली बार माँ बनी थी और मेरी इस प्यारी सी गुड़िया का आज बर्थडे है। तो आप सभी गुड़िया को आशीर्वाद जरूर देना। और ये देखिए शैतान राधे राधे बोलो सबको तेरा है? अच्छा, और हैप्पी बर्थडे नहीं लाए? हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सब मेरे वीडियो का, मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सॉरी मैं डाल नहीं पाई थी किसी कारण से। तो ये व्लॉग है मेरी गुड़िया के बर्थडे का। तो मैंने व्लॉग तो बना लिया था लेकिन डाल नहीं पाई थी किसी कारण से। तो चलिए देखते हैं हमने गुड़िया के बर्थडे पर क्या क्या किया था। तो यहाँ सबसे पहले हम गुड़िया को लेके जा रहे हैं उसके बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं सेलिब्रेशन मॉल और आपको उदयपुर के दर्शन भी कराते हैं कि सावन के महीने में बारिश के मौसम में उदयपुर कैसा लगता है। तो यहाँ सेलिब्रेशन मॉल जाते हुए हमको मातेश्वरी वड़ा पाव दिख गया था। तो वड़ा पाव दिख गया है तो खाना तो बनता है। तो वड़ा पाव खाया और सीधे पहुँचे सेलिब्रेशन मॉल। तो यहाँ थोड़ा बहुत गेम खेले ये दोनों जने। देखिए ट्रेन में घूम रहे हैं ये पांडा, ट्रेन में घूम रहे हैं ये। तो थोड़ी देर बाद ही हम गेम जोन में चले गए थे और वहाँ गेम खेले और गुड़िया के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदा। और थोड़ा मॉल में घूमे कि कुछ नया आया हो तो लें। Thank you.
यहाँ लगभग सभी स्टोर पर एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रहा था, तो यहाँ किसी पे 40% तो किसी पर लगभग 70% तक का ऑफ चल रहा था, सेल चल रही थी। तो यहाँ इन दोनों ने मॉल में इन दोनों ने मन भरकर गेम खेले और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो वहीं ऑब्वियसली गुड़िया की फेवरेट जगह पर ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ अब मौसम भी सुहावना बन गया है और यहाँ स्वरूप सागर देखिए पूरा ओवर फ्लो चल रहा है और इसीलिए ही उदयपुर को ग्रीन कश्मीर भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर घूमने का मज़ा लेना हो तो आप किसी भी सीज़न में आए, यहाँ घूमने का मज़ा तो आता ही आता है। और स्पेशली यहाँ पर आइए तो बरसात के मौसम में आइए, तो बरसात के मौसम में तो हर जगह बस हरियाली ही हरियाली दिखती है उदयपुर में, तो मज़ा आ जाता है। किताब चाहिए लो बताओ ने और ऐसे 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 ये उस दिन आया था नौ को जाने मीठा था आज दूसरा मंगवा ले उस दिन आया था जाने मीठा कर हम आ गए थे घर पर। और घर आने के बाद हमने सब घर वालों के साथ पर केक कटिंग करी। क्या कर रहा है ये देख ला।
तो आशा करती हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक बात और, मेरी गुड़िया को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।